चलो कुछ नया बनाते हैं, इस फेस्टिवल फिर से अपना घर सजाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का डीआईवाई बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये नवरात्रि स्पेशल तो है ही, साथ ही ये ट्रेडिशनल आर्ट होने वाला है। आपने कूलो पेंटिंग देखी होगी और सुनी भी होगी, तो आज मैं कूलो पेंटिंग का डीआईवाई ही आप सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे आप सबको पता ही है कि मैं कोई डीआईवाई करूं और उसमें वेस्ट मटेरियल का यूज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम जो कूलो पेंटिंग करेंगे वो थोड़ी हटके होगी, इसे हम वेस्ट कार्डबोर्ड से रेडी करेंगे। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, बिना किसी देरी के आज का ये डीआईवाई बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इस डीआईवाई को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड। मैंने यहाँ पर थिक साइज का कार्डबोर्ड लिया है, आप इसकी जगह पर एमडीएफ बोर्ड भी ले सकते हैं, पर मैं अपने डीआईवाई में वेस्ट मटेरियल का ही यूज करती हूँ, इसलिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर पर कूलों की शेप को ड्रॉ करने के बाद इसे कट कर लिया है। अब इस पेपर को हम कार्डबोर्ड पर रखेंगे और इसके साइज का ही स्केच ड्रॉ करके हम कार्डबोर्ड को कट कर लेंगे। कार्डबोर्ड मैंने कट कर लिया है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई करीबन 7.5 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज मेजरमेंट रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम टिश्यू पेपर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली टिश्यू पेपर को पेस्ट करने के लिए मैंने फेविकॉल में हल्का सा वाटर मिक्स किया है, देन ब्रश की हेल्प से इसे कार्डबोर्ड पर अप्लाई करने के बाद टिश्यू पेपर को पेस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम एक कोट जेसो का अप्लाई करेंगे। अगर जेसो नहीं है तो आप एक कोट व्हाइट एक्रेलिक कलर का भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक व्हाइट पेपर पर माता रानी के स्केच को ड्रॉ कर लिया है। आप चाहें तो प्रिंटआउट निकाल कर भी इसे ट्रांसफ़र पेपर से कार्डबोर्ड पर यानी कि बेस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर मैंने नॉर्मली वाइट पेपर पर स्केच किया है, देन उसके पीछे पेंसिल से स्केच कर दिया है। अब इसे हम आसानी से कार्डबोर्ड पर यानी कि बेस पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने बेस पर भी दुर्गा जी के स्केच को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस पर हम कलर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर्स का ही यूज़ कर रही हूँ। माता के फेस को कलर करने के लिए मैं येलो का 2 शेड यूज़ कर रही हूँ, एक डीप येलो है और एक नियोन यानी कि लेमन येलो है। माता के फेस को हमने कलर कर लिया है, अब बारी आती है इनके मुकुट। मुकुट को मैं वाइट कलर से ही कलर कर रही हूँ, क्योंकि इसे हम बंगाली लुक में बना रहे हैं और आपने देखा ही होगा बंगाली पंडाल्स में माता का जो मुकुट होता है वो वाइट कलर का ही होता है। बाद का जो स्पेस रह गया है उस पर मैं रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम माता के फेस की डिटेलिंग करेंगे। फेस पर डिटेलिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पर 0 पॉइंट ब्रश का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आईज़ और आईब्रो लिप्स वगैरह हमें बहुत ध्यान से बनाने होते हैं। अगर ये ख़राब हो गए तो हमारी पूरी मेहनत ही बर्बाद हो जाती है, इसीलिए आप काफ़ी सावधानी से माता के फेस पर डिटेलिंग कीजिएगा।
पहले तो मैंने सोचा था कि इस पेंटिंग को मैं कूलों पर ही बनाऊंगी, पर जब मैं मार्केट गई तो वहाँ पर इतने महंगे कूलों मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी हम DIY करके यानी DIY कूलों पर ही बना लेंगे। मुकुट पर डिटेलिंग करने के लिए मैं मैटलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल एक्रेलिक कलर से भी मुकुट बना सकते हैं। अब हम माता की ज्वेलरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ज्वेलरी के सेंटर में क्राफ्ट मिरर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो कोई भी स्टोन या फिर आप कलर से भी डिटेलिंग कर सकते हैं। इन मिरर को पेस्ट करने के लिए सिंपली मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही आगे मैं कोन वर्क कर रही हूँ। ये कोन मैंने होममेड बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसकी जगह मार्केट में मिलने वाले 3D आउटलाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कलर से भी आउटलाइन बना सकते हैं। मैंने एक DIY के लिए इस कोन को रेडी किया था और ये मेरे पास बच गई थी, तो सोचा चलो इस DIY में भी यूज़ कर लेते हैं। जब हमारा वर्क ड्राई हो जाए तो इसे सिक्योर करने के लिए एक कोट वार्निश भी अप्लाई कर लेना है। अब बारी आती है इसे प्रॉपर कूलो लुक देने की। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा वीडियो पॉज है, तो यहाँ पर इसे कूलो लुक देने के लिए सिंपली मैं एक टैशल वाले लेस को ग्लू गन से बेस के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई और लेस भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी है फाइनल रिवील की। वैसे आपको बता दूं कि इस DIY को वॉल पर हैंग करना भी काफ़ी इजी है। आप इसे डबल साइडेड टेप या जूट रोप की हेल्प से वॉल पर हैंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आप मार्केट से मिलने वाली कूलों पर भी पेंटिंग कर सकते हैं, पर मेरा ये आइडिया काफ़ी बजट फ्रेंडली है। आई होप आपको आज का आइडिया पसंद आया हो। अगर आपको आज की ये कूलों पेंटिंग पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।